मैच अंतिम छोर तक भी जा सकता है जैसे कि ट्राई ब्रेकर, लेकिन अभी कहाँ नहीं जा सकता, बहुत ही अच्छा दोनों टीम खेल रहे हैं जी। अभी तो पूरा पूरा इनके पास समय है, अभी तो मैच शुरू हुआ है, अभी तो फिलहाल मैच का ये पहला हाफ चलता हुआ, काफी समय है दोनों ही टीमों के खिलाड़ी के पास अपने गोल स्कोर करने के लिए, और वही काफी लंबा, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी गेंद पर नियंत्रण, छोटे छोटे पास के लिए जाने जाते हैं सिटी क्लब बैकुंठपुर, और यहाँ पे जबरदस्त धुआंधार मैच चलता हुआ देख रहा है क्या। अभी तक इस पहले हाफ में बड़े जी काफी अनुभवी, और यहाँ पे देखना है क्या, और किसी तरह से ये खतरा टला, और यहाँ पे फिसल बचती हुई। आइए आइए, हम बता दें कि आज इन दोनों ही टीमों के जो भी जिस खिलाड़ी जिसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा, जिनका उच्च कोटि का आज प्रदर्शन रहेगा, आज उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा जाएगा, और आज का जो मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाना है श्रीमती सीता पहाप में, और दोनों ही टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे। और जिन लोगों ने अपना रेडियो सेट टीवी सेट देर से ऑन किए हों उनको मैं बता दूँ, आज के इस टूर्नामेंट का आज पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है। इस पहले क्वार्टर फाइनल मैच में तुलगा वर्सेस सिटी क्लब बैकुंठपुर के मध्य खेला जा रहा है। आज इन दोनों ही टीमों में से किसी एक को अपने अगले दौर सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह पक्की करनी है, तो इसमें से किसी एक को आज इस खिताब से बाहर भी होना है, वो तो खैर बात की बात है। यहाँ पे बहुत शानदार मैच चलता हुआ, यहाँ पे लगातार एक और अवसर, लेकिन इस बार शॉट में उतना दम नहीं, जिसे गोलकीपर ने बड़ी आसानी से अपने दस्ताने पर लिया और इसे खेल दिया है, जिसे मैदान के सेंटर लाइन के करीब। बहुत सुंदर दुर्गा की टीम जो अभी भी अवसर यहां पे, लेकिन वहां पे अनलकी रहे दुर्गा टीम के खिलाड़ी स्ट्राइकर, दुर्गा टीम के जो स्ट्राइकर वो अनलकी रहे, और वहीं बहुत ही चौकन्ने सिटी क्लब बैकुंठपुर के जो गोलकीपर यहाँ पे, नहीं ये जो ये है ना, बहुत सुंदर मैच में एकदम धुआंधार, और आज के इस मैच में और तुलगा जैसी टीम जिन्होंने पिछले बार के डिफेंडिंग चैंपियन को इस खिताब से बाहर किया, उन्हें अभी पिछले मैच में हराकर जो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, वो खरवत जो कि पिछले सीजन के जो विनर टीम थी उसे हराकर उसे बाहर किया, और आज फिर उनके सामने सिटी क्लब बैकुंठपुर है। देखना आज उनका मुकाबला जबरदस्त, ये काफी तगड़ी टीम से है, और यहाँ पे अभी देखा जा रहा है सिटी क्लब बैकुंठपुर ने पहले हाफ में ही एक बढ़त बना ली है, और वही कोशिश कर रही है तुलगा की टीम किसी तरह से एक गोल वो भी गोल स्कोर कर इस मैच में बराबरी पर आया जाए, इसमें मैच में बने रहने के लिए। और आज के इस क्वार्टर फाइनल मैच में हमारे पास हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राम पंचायत आमापारा के हमारे अग्रज मार्गदर्शक श्री शिवमंगल राजवाड़ी जी, उनका आगमन हो चुका है, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है इस मंच में, इस कमेंट्री बॉक्स में जो होता, बहुत ही शानदार मुकाबला, काफी तुलगा बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन करता हुआ, तुलगा और सिटी दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, लेकिन एक गोल से बड़ा बनाए हुए सिटी के टीम, इस तरह से उन्हें कॉर्नर मिला है,
और एक बीच में एक और पूछ हिलाता हुआ खिलाड़ी पहुंच गया है। उसे चाहेंगे कि मैदान से बाहर करें उसे। उसके लिए किरण जी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो उसे बाहर करें। बहुत बढ़िया, इस तरह से बॉल जो है कि लाइट से बाहर। अभी भी ऐसा लग रहा है लेकिन इस मैच में तुलगा की टीम भी कभी भी वापसी कर सकती है। दोनों ही टीमों के खेल का स्तर जो है काफी उच्च, काफी उत्कृष्ट यहाँ पे। और बॉल जो है लाइन से बाहर। बहुत शानदार मैच चलता हुआ यहाँ पे आज इस टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मैच। देर से दर्शकों को मैं बता दूं, आज का यह पहला क्वार्टर फाइनल मैच टोलगा वर्सेस सिटी क्लब बैकुंठपुर के मध्य खेला जा रहा है। इस मैच का जो पहला हाफ है, इस पहले हाफ में गोल स्कोर में और भी बढ़त हो सकता था। बहुत सी शानदार जानदार यहाँ पे मुकाबला चलता हुआ। बहुत और वहीं पे फिर से, लेकिन किसी तरह से तुलगा टीम के खिलाड़ी को रोक पाने में सफल हुए खिलाड़ी। और वहीं पे अपने साथी खिलाड़ी को आगे बढ़ा दिया है बहुत सुंदर तरीके से। देखना है क्या मौका तो बहुत मिल रहा है तुलगा टीम को, लेकिन कहीं कहीं मिस हो जा रहा है। लेकिन प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छा मैच का प्रदर्शन करें। आज इस मैच में बीच मैदान पर काफी तेज धूप खिली हुई है, खासकर आज के दर्शकों को काफी मजा इस हल्की हल्की धूप का आनंद लेते हुए आज के इस मैच का आनंद ले रहे हैं। कई दिनों के बाद आज मौसम जो है कि क्लियर साफ हुआ है। इससे पहले चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आता था, आज काफी दिनों के बाद मौसम भी साफ हुआ है। और आज भी ये साफ हो जाएगा कि इन दोनों ही टीमों में से कौन सी टीम है जो सीधे सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करेगी। फिलहाल दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अपने अपने कमर कस चुके हैं और लगातार अपनी मेहनत कोशिश जारी रखे हुए हैं इस मैदान में। देर से दर्शकों को मैं बता दूं कि आज का ये अहम मैच, अहम मुकाबला चलता हुआ पहला क्वार्टर फाइनल मैच इस टूर्नामेंट का, इस सीजन का, भखार स्कूल के इस मैदान का पहला क्वार्टर फाइनल मैच, जिसमें टोलगा वर्सेस सिटी क्लब बैकुंठपुर के मध्य आज का यह अहम मुकाबला चलता हुआ। इस अहम मुकाबले में मैच का पहला हाफ चलता हुआ। इस पहले हाफ में सिटी क्लब बैकुंठपुर की टीम ने 1-0 से बढ़त बनाई हुई है और ये अभी भी 1-0 की जो स्कोर है वो बरकरार है। अभी भी बहुत सुंदर लेकिन कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे काफी सुंदर दोनों ही टीमों के खिलाड़ी। सिर्फ अवसर की तलाश है, मौके की तलाश है। हैंडबॉल के लिए, हैंडबॉल के लिए अपील की थी और रेफरी महोदय भी उन्होंने हैंडबॉल का इशारा करते हुए यहाँ पे मिला है सिटी क्लब बैकुंठपुर को। और इस मैच के, मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए गौरव राजवाड़ी जी आगे का कार्रवाई के लिए। बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ यहाँ पर टोलगा वर्सेस सिटी क्लब के मध्य। और यहाँ पर 1-0 से बढ़त बनाते हुए सिटी क्लब की यह टीम, और यहाँ पर टोलगा उस एक गोल को बराबरी करने के
कोशिश में लगी पड़ी है, लेकिन मौका काफी मिला इस तुलगा के सारे प्लेयर्स को, लेकिन नाकामयाब रहे। और यहाँ पर अच्छा मैच चलता हुआ छोटी छोटी पासिंग के साथ यहाँ पर दोनों ही टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए काफी जोरों शोरों से लगी पड़ी है। और फ्री किक मिलता हुआ तुलगा के खेमे में, और देखते हैं आज का यह मैच कौन जीतता है और कौन सी टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करती है। यहाँ पर लंबा शूट लेते हुए, लेकिन यहाँ पर सुनहरा मौका मिल सकता है। देखते हैं यहाँ पर अच्छा क्लियर डिफेंस द्वारा, यहाँ पर काफी अच्छा मैच चलता हुआ, यहाँ पर लंबी किक, यहाँ पर अच्छा रिसीविंग, यहाँ पर छोटी छोटी पास करते हुए सिटी क्लब के प्लेयर्स, यहाँ पर फिर से सिटी क्लब के पैरों पे बॉल, लेकिन यहाँ पर गोल का चांसेस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्लियरेंस करते हुए तुलगा के प्लेयर्स यहाँ पर जोरों शोरों से शॉट भी मारते हुए दोनों ही टीम, और एक जीरो से बढ़त बनाते हुए सिटी क्लब के टीम, यहाँ पर बॉल मिलता हुआ सिटी क्लब के प्लेयर को, यहाँ पर अच्छी पासिंग, अच्छा सोच, यहाँ पर छोटी छोटी पास करते हुए डी के समीप ले जाते हुए सिटी क्लब के प्लेयर्स, लेकिन अच्छी हेडिंग तुलगा के प्लेयर के द्वारा। यहाँ पर जितने भी दर्शक बंधु आए हुए हैं मैं उनको बता दूं, जो सफेद कलर के पोशाक में हैं वो सिटी क्लब बैगनपुर की टीम है, और गुलाबी कलर की जो पोशाक पे हैं वो तुलगा की टीम है, जो कि अभी रह चुके हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर काफी अच्छा मैच चलता हुआ, यहाँ पर डी में मैच चलता हुआ, और बॉल तुलगा के पैरों पर, लेकिन साइड लाइन के बाहर जाता हुआ बॉल, थ्रो मिलता हुआ, जीतती है वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। यहाँ पर ऑफ साइड केस, और आज के मेन रेफरी भरत भैया, अरे माफ कीजिएगा, संजीव राजवाड़े जी, और दूसरे रेफरी एक्स हमारी टीम की सपोर्टिव रही हैं, काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है इन्होंने, और राजू डीजे जी जो कि आगे का आंखों देखा हाल बताएंगे। क्या बात है, क्या बात है, मैच का आनंद लेते हुए दर्शक बहुत ही शानदार, और 13 नंबर के प्लेयर द्वारा बढ़ाया गया बॉल, लेकिन साइड लाइन से बाहर बॉल, चारों तरफ दर्शक खचाखच, 1000 दर्शक लगभग ग्राउंड पर मौजूद, साइड में हेलो फिलहाल मैच का ये पहला हाफ। बरपारा के सरपंच महोदय वीरेंद्र पैकरा जी, यदि ग्राउंड के साइड में होंगे तो निवेदन है कि आप कृपया कमेंट्री बॉक्स मंच के करीब आने कृपा करेंगे। बरपारा सरपंच श्री वीरेंद्र पैकरा जी, बरपारा सरपंच महोदय जी से निवेदन है कि कमेटी की मंच की ओर आने की कृपा करेंगे। धीरेन्द्र ने 13 नंबर के खिलाड़ी को आगे फिर से पास दिए हैं, देखना है क्या होता है, 6 नंबर के प्लेयर ने आगे बढ़ा दिया, लेकिन ऑफ साइड के इशारा, बहुत ही जबरदस्त मैच चलता, बहुत ही सुंदर मैच चलता हुआ यहाँ पे सिटी क्लब बैगनपुर वर्सेस तुलगा के मध्य। अभी भी मैं बता दूं
आज का यह पहला क्वार्टर फाइनल मैच जिसमें तुलगा वर्सेस सिटी क्लब बैकुंठपुर के मध्य खेला जा रहा है यह मैच। इस मैच के पहला हाफ चलता हुआ। इस पहले हाफ में सिटी क्लब बैकुंठपुर की टीम 1-0 से अपनी बढ़त को बरकरार रखी हुई है और वहीं कोशिश कर रही है तुलगा की टीम कि किसी तरह से इस मैच में एक गोल कर बराबरी पर आए, अपने गोल स्कोर कर बराबरी पर लेकर आए। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी काफी जान झोंक दे रहे हैं, हर हाल इस मैच को जीतना चाहेंगे और इस जीत के साथ ही वो सीधे सेमीफाइनल में ताल ठोकेंगे, जहां तुलगा जैसी टीम, दिग्गज टीम, जिन्होंने पिछले बार के डिफेंडिंग चैंपियन को इस टूर्नामेंट से बाहर किया, आज उन्हीं का सामना हो रहा है सिटी क्लब बैकुंठपुर के जबरदस्त टीम जिसमें एक से एक महारथी फुटबॉल के महायोद्धा इस मैच में खेल रहे हैं, जो किसी भी वक्त मैच का रूप बदल सकते हैं। आपने अभी देखा है इस मैच के पहले हाफ में उन्होंने सिटी क्लब बैकुंठपुर के खिलाड़ियों ने काफी शानदार, काफी जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया है और अपनी टीम को यहाँ पे 1-0 से बढ़त दिला दी है। और वहीं तुलगा की टीम बहुत सुंदर प्रयास, लेकिन अभी भी पूरा उनके पास टाइम है, समय है, कोई एक गोल की बढ़त, कोई ज्यादा बढ़त नहीं है मैच में। जी संजय जी, कहीं ना कहीं अगर इस मैच में बराबरी करना है तो तुलगा को सिटी क्लब बैकुंठपुर से ज्यादा मेहनत करना होगा और कर भी रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिख भी रहा है और बहुत ही अच्छा कड़ा संघर्ष भी कर। जो फुटबॉल प्रेमी हैं, जो दर्शक हैं, उनसे अनुरोध है कृपया बीच बीच में ताली बजाकर खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते रहें, उनका जोश बढ़ाते रहेंगे। आप लोग ताली बजाने में बहुत कंजूसी करते हैं। अरे गोल तो पड़ा था लेकिन फिर भी ताली नहीं बजी थी, तो बराबर होगा तब मजा आएगा। अच्छा बराबर, आप देखना चाहिए कि अपना, आप देखना चाह रही हैं कि बराबर हो तभी ताली बजेगी। हाँ। ठीक है देखते हैं। यहाँ घेरा बनाते हुए तुलगा की टीम बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए, देखना है क्या होता है सिटी को, सिटी 6 नंबर प्लेयर द्वारा पास करते हुए, लेकिन वहाँ पर